नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। आज आप लोग के लिए मैं ग्रुप डी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग मैं बताने वाला हूँ। जो आप लोग के क्वेश्चंस आप लोग के कल के डेट में आए हुए, मतलब आपका क्या 17 सितंबर से आप लोग का जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम चालू हुआ है। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम को 17 सितंबर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को इससे किस किस का फ़ायदा होने वाला है। इसमें सबसे फ़ायदा तो उनका होगा जिसका पेपर हो चुका है, वो चेक कर लेंगे कि उनके क्वेश्चन सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। दूसरी बात, आगे जिसका पेपर है वो अगर इसको इस वीडियो को देख रहा है तो ये ध्यान में रख लेना कि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इतने क्वेश्चन नहीं होते टाइम रेलवे को अपना काम भी करना है, सिर्फ एग्ज़ाम नहीं करवाना है। एग्ज़ाम करवाते हैं उसको 2 करोड़ लोग का एग्ज़ाम करवाना है तो क्वेश्चन क्लैश ज़रूर करेगा। जितना हो सके इन इन सारे क्वेश्चंस का एक नोट्स बना लीजिएगा और इस नोट्स को आप लोग रोज़ सुबह उठ के रोज़ रात को सोने से पहले एक बार उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग के ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो निकल जाए आराम से। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग पास टाइम नहीं है, अगर आप लोग ने प्रिपेयर नहीं किया तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस कर लीजिए, यही काफ़ी है। क्या पता इसी में से क्वेश्चंस आपके फंस जाए। और इसमें जितना मतलब मैथ्स रीजनिंग तो बनेगा ही आपसे, और थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर इससे बन गए तो आपका निकल जाएगा पेपर आराम से। कट ऑफ बहुत कम जाती है ग्रुप डी की, वैकेंसी बहुत है तो हो सकता है आप लोग की कट ऑफ उतनी चले जाए जितनी आप लोग सोचे कि भी नहीं। तो इसलिए आप लोग को बता दे रहा हूँ, सोच से भी बढ़िया है, सोच से भी बढ़कर आप लोग का जो रहेगा कट ऑफ बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप लोग बस अपना मेहनत करते रहिए, अगर नहीं भी है तैयारी तो आज से तैयारी करना चालू कर दीजिए, 1 हफ्ते में रेडी हो जाएगा आपका सब कुछ। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कोई वीडियो आप लोग के होम पेज में नहीं आ पाएगा, आप लोग ढूंढते रह जाएंगे और आप लोगों को क्वेश्चन का जो कलेक्शन वो नहीं मिल पाएगा, जिससे आप लोग का हो सकता है कोई आप लोग का एग्ज़ाम बिगड़ जाए। और जिसका अगला CBT है अपना रेलवे लोको पायलट ALP टेक्नीशियन का अगला CBT है जिसका मार्क्स 40 के ऊपर है, वो सब लोग को बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि आप लोग के साइंस का क्वेश्चन आने का है, अभी साइंस का क्वेश्चन आने का है और GK का क्वेश्चन आने का है। तो अभी सेकंड CBT में आप लोग का सेम CBT 1 टाइप से होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, तो आप लोग के लिए भी यही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप लोग को पूछा गया है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का सही आंसर आप लोग का क्या हो जाता है, अहमदाबाद। अगला आपको पूछा गया है नीति आयोग, ठीक है। अगला आप लोगों को पूछा गया है नीति आयोग के CEO कौन है, नीति आयोग के CEO कौन है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाता है, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत क्या हो जाता है, नीति आयोग के CEO। नीति आयोग के आप लोग के चेयरमैन का नाम भी पूछा गया, आगे मैं बताऊंगा उसको भी। नीति आयोग के CEO की बात किया जाए तो उसका आंसर क्या हो जाता है, अमिताभ कांत। अगला आप लोगों को पूछा गया है सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, ग्रह कौन सा है। तो आप लोग का सही क्या हो जाता है, जुपिटर। जुपिटर आप लोग का जो है बृहस्पति, जुपिटर आप लोग का सही आंसर हो जाता है सबसे बड़ा ग्रह का आंसर। उसके बाद आप लोग को हिमायत मिशन पूछा गया है जो कि आप लोग का जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अगला आप लोग को पूछा गया है वेनेजुएल प्रेसिडेंट पूछा गया है। वेनेजुएल आप लोग का इसलिए न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि वेनेजुएला का जो आप लोग का करेंसी है वो अभी बहुत ही ज़्यादा वहाँ इन्फ्लेशन का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ, करेंसी उनकी डूब रही है तो इसलिए उनको अभी न्यूज़ में है। तो उसका आप लोग के प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया तो उसका आंसर क्या हो जाता है, निकोलस मदुरे। अगला आप लोग का पूछा गया कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की कैपिटल हो जाती है एम्स्टरडैम, ठीक है। एम्स्टरडैम आपको पता रहना चाहिए। अगला आप लोग का पूछा गया त्रिपुरा के CM बिप्लब देब, सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला आप लोग का पूछा गया है बेस्ट सिटी ऑफ लिविंग, ठीक है, लिविंग रहने के लिए सबसे अच्छा सिटी कौन सा है। तो ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, ऑस्ट्रिया का जो कि यूरो जो आप लोग का वो होता है उसका करेंसी होता है और उसकी कैपिटल वियना सबसे अच्छा लिविंग के लिए माना गया है। अगला आप लोग का पूछा गया है बेस्ट क्लीन रेलवे स्टेशन, सबसे क्लीन रेलवे स्टेशन इंडिया में कौन सा है। तो ये आप लोग का हो जाता है राजस्थान में से जोधपुर, इसका सही आंसर हो जाता है। अगला आप लोग का पूछा गया है पद्मावत मूवी में आप लोग का खिलजी का रोल किसने किया है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाता है रणवीर सिंह। अगला आप लोग को पूछा गया है बिहार के गवर्नर का नाम, ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ है तो इसको आप लोगों को गवर्नर से देख लीजिएगा। उड़ीसा का भी नया हुआ है और उसके बाद जम्मू कश्मीर के भी नए हुए हैं अभी अभी, तो ये अभी जो बिहार के हुए हैं उनका पूछा गया है। तो बिहार का लालजी टंडन सही आंसर हो जाता है। अगला आप लोग का है इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये हो जाते हैं राज्यवर्धन राठौर। अगला आप लोग का पूछा गया है ह्यूमन राइट्स डे कब का है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे। तो ये आप लोग का हो जाता है 10 दिसंबर। अगला आप लोग को पूछा गया नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे आप लोग का क्या हो जाता है, 25 जनवरी।
अगला आप लोग का पूछा है ग्रैमी अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो ग्रैमी अवार्ड आप लोग का किससे, म्यूजिक से रिलेटेड होता है। अगला आप लोग का पूछा गया है हाई कोर्ट जो है उसमें फर्स्ट फीमेल जज है कहाँ की, जम्मू कश्मीर की, उनका नाम क्या है, तो गीता मित्तल। अगला आप लोग का पूछा गया है 377 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो ये आप लोग का जो ट्रांसजेंडर लोग से रिलेटेड है, LGBTQ जो है आप लोग का होता है वो आप लोग का जो है ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा न्यूज़ में चल रहा था अभी। अगला आप लोग का पूछा गया वर्ल्ड टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे आप लोग को 5 सितंबर लगा के आए हैं तो आप लोग बिल्कुल गलत लगाए हैं, क्योंकि वो होता है अपने देश का टीचर्स डे होता है। वर्ल्ड टीचर डे की बात किया जाए तो 5 अक्टूबर सही आंसर होता है, 5 अक्टूबर। अगला आप लोग को पूछा गया है मिस वर्ल्ड आप लोग की कौन है, आप लोग की मानुषी चिल्लर है जो कि आप लोग के कहाँ से, हरियाणा से बिलोंग करती है। अगला आप लोग का एक क्वेश्चन पूछा गया है शॉपकीपर गेट्स 19% आफ्टर सेलिंग, 19% का प्रॉफिट मिला हुआ है जब वो 595 में बेचता है, तो 475 में बेचेगा तो क्या होगा, तो आप लोग को करना क्या है 119% इक्वल टू 595 करना है, 119 इक्वल टू 595 दिया हुआ है, तो इसको जब काटोगे तो आप लोग को CP 500 मिल जाएगा, और 500 आप लोग को CP हो गया तो 475 में बेचेगा तो ऑब्वियसली बात है लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है 25 रुपये का, 500 का 25 कितना परसेंट होता है, 500 का 50 जो है जस्ट 10% हो जाता है, 25 5% हो जाता है, तो 5% आप लोग को लॉस हो जा रहा है। अगला आप लोग को पूछा गया है पॉलीमर उमरी का अवार्ड किसको मिला हुआ है, तो ये आप लोग को मिला हुआ है विराट कोहली को। अगला आप लोग का पूछा गया है 300 × 11 इक्वल टू 55 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू निकालना है, तो 11 से 55 5 में गया और 5 से आप लोग का 66 में 330 कटेगा, तो आप लोग का एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66। अगला आप लोग का पूछा गया है नॉर्वे की कैपिटल कौन सी है, तो आप लोग का हो जाता है ऑस्लो। अगला आप लोग का पूछा गया हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो आप लोग का हो जाता है राजेंद्र सिंह। अगला आप लोग का हाँ एक आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना में कितने हाउस सैंक्शन किया गया, तो आप लोग के सही आंसर क्या हो जाएगा 20 लाख, पीएम आवास योजना में आप लोग के 20 लाख सैंक्शन किया गया। अगला आप लोग का पूछा गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आप लोग का कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो इसका सही आप लोग का आंसर क्या हो जाता है, ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, तो ये आप लोग का हो जाता है ओल्डेस्ट फर्स्टेस्ट आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको, तो आप लोग का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875 का है। अगला आप लोग का पूछा गया है और राज्यसभा में जो ऑफिसर्स जो जो ऑफिस मेंबर्स होते हैं, मतलब राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितने का होता है, तो वह होता है आप लोग का 6 साल का। अगला आप लोग का पूछा गया है अगर टीचर क्लास से रिलेटेड है तो ड्राइवर किससे रिलेटेड है, अगर टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो ड्राइवर क्या करता है, वो गाड़ी चलाता है, तो व्हीकल उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग का पूछा गया हु आर द विनर्स ऑफ बांगा भूषण अवार्ड, बांगा भूषण अवार्ड के विनर कौन है, आप लोग के आशा भोसले। अगला आप लोग का पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए बुक ऑफ लाइट, ए बुक ऑफ लाइट नाम का एक बुक है उसके ऑथर कौन है, तो पीटर लेविट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग को पूछा गया लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया 3:1 और पेरीमीटर दे दिया आप लोग का 96, आप लोग का बोल रहा है लेंथ निकालने, तो इसको आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को रेशियो के हिसाब से चलना है, आप लोग को 3 और 1 आप लोग का दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर आप लोग को 3x आप लोग को लेंथ ले लेना है, 1x आप लोग को क्या ले लेना है, 3x आप लोग को लेंथ ले लेना है, 1x आप लोग को ब्रेथ ले लेना है, एक्स की वैल्यू आप लोग को 36 आप लोग ऑप्शन से अगर उठा लेंगे तो अगर 3x की वैल्यू 36 है तो एक्स की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो आप लोग 36 प्लस 12 करेंगे तो 48 होगा, 48 × 2 करेंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, इसको ऑप्शन से भी जा सकते हैं और अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप लोग को स्पीड करना है तो एक बार ऑप्शन में सरसरी नज़र से आप लोग घुमा लेंगे तो पता चल जाएगा कि आप लोग का जो लेंथ है वो आप लोग का 3 का मल्टीपल होना है, मान के चलिए 35 होता अगर ऑप्शन में तो उसको आप तुरंत काट देंगे क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, 31 होता तो उसको तुरंत काट देते क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है, और अगर आप लोग का पेरीमीटर पॉइंट में दिया है तो हो सकता है, लेकिन पेरीमीटर आप लोग का अगर दिया हुआ है डायरेक्ट आप लोग का क्या दिया हुआ है पेरीमीटर आप लोग को होल नंबर में दिया हुआ है, तब आप लोग को क्या करना है ऐसे आप लोग जा सकते हैं ऑप्शन से। अगला आप लोग को पूछा गया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के वो मिनिस्टर कौन है, तो आप लोग का सही आंसर क्या हो जाता है मेनिका संजय गांधी। अगला आप लोग को पूछा गया बेस्ट CM अवार्ड किसको मिला गया है 2017 का, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा वसुंधरा राजे। अगला आप लोग को पूछा गया हु वन द ऑस्कर फिल्म ऑफ द ईयर 2018, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का शेप ऑफ वाटर। अगला आप लोग का पूछा गया कुलोम किसका है SI यूनिट, तो इसका सही आंसर हो जाता है आप लोग का चार्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग को पूछा गया वोल्टेज 24 वोल्ट्स है और रेजिस्टेंस 4 ओम है तो करंट कितना होगा, ये V इक्वल टू IR ओम्स लॉ का पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन 100% आगे भी होगा रिपीट आप लोग का, V इक्वल टू IR होता है तो आप लोग का V दिया 24, I आप लोग को निकालना है और R चार्ज है तो 24/4 कितना हो गया आप लोग का 6, तो 6 आप लोग का क्या हो जाएगा 6 एम्पियर आप लोग का हो जाएगा
एम्पियर होता है करंट का, ये भी रखना है आप लोग को याद। एम मीटर से करंट नापा जाता है, ओम मीटर से रेजिस्टेंस, और वोल्ट मीटर से वोल्टेज। अगला आप लोग को पूछा गया है, विच डिसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। ये मेरे ख्याल से थायरॉयड ग्लैंड में कौन डिस थायरॉयड ग्लैंड के कारण कौन सा डिसीज होता है, तो गोइट्रा अगर ऑप्शन में दिया होगा तो वो तो वही आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग का जो पूछा गया है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कौन सा है, तो ये होता है आप लोग का जब भी कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि आप लोग का रॉकेट हो गया, या फिर आप लोग कोई बॉल को मार रहे दीवार में तो बॉल वापस आती है, इसको आप लोग को बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी को आप लोग का जो है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन बोलते हैं। अगला आपको पूछा गया है किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड आप लोग का होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगला आप लोग का पूछा गया है प्रेशर का SI यूनिट क्या है, तो इसका सही आंसर आप लोग का क्या हो जाता है, इसका सही आंसर आप लोग का हो जाता है पास्कल। अगला आप लोग को पूछा गया है कतर, कतर की करेंसी पूछी गई है। अगला आप लोग को पूछा गया है UEFA बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द वर्ल्ड पूछा गया, तो ये हो जाता है लुका मॉड्रिक, लुका मॉड्रिक इसका सही आंसर हो जाता है। अगला आप लोग को पूछा गया इन विच स्टेट ऑफ द सिटी सिटी विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कौन से स्टेट में आप लोग का स्थित है, तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाता है आंध्र प्रदेश। अगला आप लोग का जो है विच गैस रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसमें 1884 के आसपास, तो आप लोग का जो उसके 1984 या 1884 समथिंग है, तो उसके जो आप लोग का भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो आप लोग का उस समय कौन सा गैस रिलीज हुआ था, तो इसका आंसर हो जाता है आप लोग का मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला आप लोग का पूछा गया है हु प्लेड द रोल ऑफ खिलजी, खिलजी जो आप लोग का खिलजी पे क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगला आप लोग को पूछा गया है विच सिटी वॉज चूजन फॉर 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी आप लोग का कौन सा सिटी को चूज़ किया गया है, तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाता है शिलोंग। अगला आप लोग का पूछा गया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इनका कुछ आरिफ अवीफ करके कुछ नाम है इनका, आरिफ अवीफ आप लोग चेक कर लीजिएगा, और इमरान खान जो इसके प्राइम मिनिस्टर अभी बने हुए क्रिकेटर हैं वो, पूर्व क्रिकेटर, और आप लोग के प्रेसिडेंट जो है आरिफ आरिफ समथिंग नाम है उनका, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगला आप लोग का पूछा गया उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, तो हो जाते हैं नवीन पटनायक जी। अगला आप लोग को पूछा गया है स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप लोग इसमें इसमें ऑप्शंस पे डिपेंड करता है आप लोग का प्लूटो था कि नहीं। अगला आप लोग का पूछा गया है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाता है कैनबरा, कैनबरा इसका सही आंसर हो जाता है। अगला आप लोग का पूछा गया है 18th ग्रुप में आप लोग के कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो ये डायरेक्टली पूछा गया है कि आप लोग के नंबर ऑफ नोबल गैसेस कितने होते हैं, तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाता है 6। अगला आप लोग का पूछा गया है विच इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड जो होता है आपका, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, पीरियड्स कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, ग्रुप हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, पीरियड्स हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, तो सबसे लंबा पीरियड हो आप लोग का हो जाता है 6th पीरियड। अगला आप लोग को पूछा गया विच गैस इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल बल्ब, बल्ब में कौन सा गैस यूज होता है, तो आप लोग का सही आंसर हो जाता है आर्गन। अगला आप लोग को पूछा गया है विच इज़ द क्रिटिकल व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो आप लोग का सही आंसर हो जाता है 25 डिग्री। अगला आप लोग को पूछा गया pH ऑफ द ब्लड कितना है, तो आप लोग का है सही आंसर 7.35। अगला आप लोग को पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर का आप लोग का फॉर्मूला क्या है, तो CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला आप लोग को पूछा गया गवर्नर ऑफ सिक्किम का नाम पूछा गया, तो आप लोग का है आप लोग का गंगा प्रसाद। अगला आप लोग को पूछा गया नीति आयोग के चेयरपर्सन, नीति आयोग हो या प्लानिंग कमीशन हो, दोनों के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन हो गए आप लोग के, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगला आप लोग का जो है अमेजन के CEO, अमेजन बहुत न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि अभी बहुत ही बढ़िया उसका परफॉर्मेंस चल रहा है अमेजन का, ई कॉमर्स में सबसे बढ़िया चल रहा है इसका काम, जो फ्लिपकार्ट है उसके बाद ये स्नैपडील है, ये सबसे ऊपर अभी अमेजोन चल रहा है, तो इसलिए सर्जेशन का CEO का नाम पूछा गया, तो जेफ बेसोस। अगला जो आप लोग का पूछा गया ऑस्कर एकेडमी अवार्ड फंक्शन इज हेल्ड इन विच कंट्री, तो इसका सही आंसर हो जाता है कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। अगला आप लोग को पूछा गया जैसे को प्राइम नंबर है, तो कोई भी को प्राइम नंबर का आप लोग का LCF क्या होता है, ये हो जाता है 1, चाहे को प्राइम नंबर हो या प्राइम नंबर हो आप लोग का उसका क्या हो जाता है LCF 1 हो जाता है। अगला आप लोग को पूछा गया है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक अपर हाउस होता है एक लोअर हाउस होता है, तो अपर हाउस आप लोग का कौन सा हो जाता है, राज्यसभा हो जाता है। अगला आप लोग को पूछा गया है रेशियो ऑफ मॉस ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आप लोग को रेशियो निकालना है, तो इसको आप लोग अगर 2:16 किए होंगे तो आप लोग गलत हो जाएंगे, 1:16 इसका सही आंसर होगा, 1:16 होगा इसका सही आंसर। अगला आप लोग को पूछा गया इन विच मीडियम द साउंड हैज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को सॉलिड। अगला पूछा गया इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स इन द ओपन कराटे चैंपियनशिप हेल्ड इन लास वेगास में जो आप लोग का कराटा चैंपियनशिप हुआ है उसमें 2 मेडल जीती इंडिया। अगला आप लोग को पूछा गया विच प्लेस इज नोन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन, ये आप लोग का हो जाता है कोदाई कनाल।
अगला आप लोग का पूछा गया है कौन सा रिस्पॉन्सिबल है आप लोग के प्लांट्स का जो मुड़ता है, प्लांट्स जो फ्लेक्सिबल होता है उसका आप लोग के लिए कौन सा चीज़ आप लोग का रिस्पॉन्सिबल है, तो कॉलन काइमा आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को पूछा गया है ऑक्सीजन रिलीज होता है एयर में, वो किससे होता है, फोटोसिंथेसिस से होता है। और फिर कौन सी कंपनी जो है 900 बिलियन का जो लेवल है उसको क्रॉस किए एप्पल के बाद, ठीक है, सेकंड एप्पल तो किया ही है, उसके ऊपर आप लोग का कौन सा किया है, अमेजोन भी किया है, अभी 900 बिलियन का जो मार्केट है उसका भी क्रॉस हो चुका है। अगला आप लोग का पूछा गया है विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड पावर टैक्स टू एंकरेज हैंडलूम, हैंडलूम जी अभी टेक्सटाइल मिनिस्टर हो गया, ऑब्वियसली बताओ टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है अपनी, स्मृति जुबिन ईरानी। अगला आप लोग का पूछा गया है, ये तो वही चीज़ है, अगला आप लोग का पूछा गया जापान के पीएम का नाम पूछा गया, तो ये हो जाता है आप लोग का शिंजो अबे। अगला आप लोग को पूछा गया है हु वॉज द नोबल लिटरेचर अवार्ड, नोबल लिटरेचर अवार्ड लिटरेचर के लिए किसको अवार्ड मिला है, ये आप लोग को मिला हुआ है कजो इशिगिरो। अगला आप लोग का जो है द थीम ऑफ फिल्म फेस्टिवल ऑफ द सोनम कपूर, सोनम कपूर को जो मिला हुआ है फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड, उसके लिए किसके लिए मिला हुआ है, नीरजा, नीरजा मूवी के लिए मिला है जिसमें उन्होंने नीरजा भनोत का किरदार निभाया है। अगला जो आप लोगों को पूछा गया है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो मतलब समुद्र की तट से बना रहा है वो आप लोगों का कोस्ट लाइन कौन सा है, कनाडा से बनता है। अगला आप लोगों को पूछा गया है यूनिट ऑफ पावर क्या है, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा वॉट। अगला आप लोगों को पूछा गया फर्स्ट इंडियन सिटी एम्प्लॉय ए रोबोट इन ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रोबोट को यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे, आप लोग का इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला आप लोग को पूछा गया है एनिमल क्रिएट्स अल्ट्रासाउंड, जो आप लोग के अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड क्रिएट करते हैं कौन से एनिमल है, आप लोग का वो हो जाता है आप लोग का बैट डॉल्फिन। अगला आप लोग को पूछा गया 36 और 144 का आप लोग का HCF क्या हो जाता है, तो HCF आप लोग का उसका क्या हो जाता है, आप लोग का 36 होता है, लेकिन इधर क्या पूछा गया हाफ ऑफ HCF पूल हो गया, तो काफ़ी लोग 36 मार के आए होंगे, बहुत अच्छे से मारे होंगे क्योंकि वो HCF सोच रहे थे, यहाँ हाफ ऑफ 36 बोला गया, अब इसलिए आप लोग का आंसर हो जाएगा क्या 18। हाँ 36 का जस्ट आधा कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। अगला आप लोग का पूछा गया ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट, ये कौन किया, GES के नाम से दिया हुआ था, ये साउथ एशिया का हुआ हुआ है, तो ये जो ग्लोबल इंटर्नशिप समिट है वो हैदराबाद में हुआ हुआ, हैदराबाद तेलंगाना। अगला आप लोग को पूछा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आप लोग के कौन हो जाते हैं, महेश शर्मा हो जाते हैं। अगला आप लोग का मैन बुकर प्राइज़ किसको मिला गया है, तो ये आप लोग के हो जाते हैं, इनका नाम, इनका बुक का नाम हो जाता है द इंग्लिश पेशेंट, द इंग्लिश पेशेंट है ये आप लोग के जो है ये बुक जीती है मैन बुकर प्राइज़। अगला आप लोग का पूछा गया आईसीसी प्रेसिडेंट कौन है आप लोग के, तो ये आप लोग को जाता है शशांक मनोहर। अगला आप लोग का कैपिटल ऑफ श्रीलंका क्या हो जाता है, जयवर्धनेपुरे। और उसके बाद आप लोग का ऑटोबायोग्राफी ऑफ शेन वॉन पूछा गया है। अगला आप लोग का पूछा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म, ये आप लोग के कौन, महेश शर्मा हो जाते हैं। और उसके बाद आप लोग के डिफेंस मिनिस्टर कौन हो जाते हैं, निर्मला सीतारमन हो जाता है, ये लेडी हैं निर्मला सीतारमन जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। अगला आप लोग का पूछा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। सल्फर का भी पूछा गया आप लोग का एटॉमिक नंबर, तो वो हो जाता है 16 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग का पूछा गया है न्यूटन्स थर्ड लॉ रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना, ये तो आप लोग को पता ही है। उसके बाद वोल्ट मीटर, आप लोग को वोल्टेज पता है ना, तो ये आप लोग का कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देखिए और इसको जितना हो सके आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, इसका अलग से नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही साथ, और जितना हो सके इस चीज़ को शेयर कीजिएगा ताकि सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो, क्योंकि इसके बाद शायद मेरे ख्याल से इतनी बड़ी मौका अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है तो हो सकता है और वैकेंसी बढ़े, है ना, क्योंकि अभी लोको पायलट का 60,000 हो गया है, तो इसकी भी वैकेंसी बढ़ के आगे ऊपर आ सकती है, बहुत रिक्वायरमेंट है अपने इंडिया में, अपनों को रेलवे में बहुत सारे वैकेंसीज खाली हैं, तो इसके हिसाब से आप लोग की वैकेंसीज बढ़ सकती है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जो भी क्वेश्चन है उसके अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आप लोग की यही एग्ज़ाम नहीं, आगे के एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे, अभी लगातार एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आज एग्ज़ाम है कल एग्ज़ाम है, ऐसे लगातार एग्ज़ाम्स होंगे तो लगातार आप लोग के क्वेश्चन भी रिपीट होते रहेंगे। चलिए धन्यवाद देखने के लिए, धन्यवाद।